सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ट्रांसपेरेंट क्यूब कैसे बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिये, ट्रांसपेरेंट क्यूब बनाने के लिए हमको जाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के रिबन में होम टैब में। ठीक है, होम टैब पे क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है यहाँ पर इस बॉक्स में, शेप्स वाले बॉक्स में। यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको शेप्स मिल रहे हैं, हमको क्लिक करना है रेक्टेंगल पे। ठीक है, रेक्टेंगल पे हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए प्लस साइन बनकर के आ गया। अच्छा, ये दिया यहाँ पे रेक्टेंगल है लेकिन हम इससे बनाएंगे एक स्क्वायर। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, जितना बड़ा स्क्वायर आपको चाहिए। तो ये देखिए स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद हम इसका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऐसा ही एक और स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है साइज में थोड़ा सा अंतर आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना है। अच्छा, उसके लिए हमको वापस से ही होम टैब में ही रहना है। ठीक है, होम टैब में ही रहना है और यहाँ पर सेलेक्ट वाले कॉलम में, मतलब ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करिए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए एक और बॉक्स बन करके आ गया। इसको पकड़ करके आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद वापस से हमें शेप्स वाले बॉक्स में जाना है और ये इस बार हमें यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट हो गई। बस उसके बाद सारे कॉर्नर्स को आप मिला दीजिए। ये देखिए एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक आपका ये मिल गया। ठीक है, कोशिश करिएगा परफेक्ट मिलाने की। अगर मान लीजिए कि कहीं थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इलाज करके यहाँ से रबर आप ले सकते हैं। ये है रबर, इस पर क्लिक कर दीजिए और अपने हिसाब से आप इसको इसको यहाँ पे देखिए जो भी हिस्सा ज़्यादा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए बस ये एडजस्ट होने के बाद आप देखेंगे, सॉरी, आपका जो क्यूब है ट्रांसपेरेंट क्यूब जो है वो बन गया। ठीक है,